बहुत से लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना YouTube में बहुत आसान है और साथ में चैनल बनाना भी ना बहुत आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो कंटिन्यू डालना बहुत आसान है। तो गाइस बता देना चाहता हूँ मैं इतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वीडियो बनाओ नॉर्मल जो जॉब करते ना, उन जॉब करने वाले मतलब मॉर्निंग उठते हैं जॉब करके इवनिंग आ जाते हैं, परंतु यूट्यूबरों के साथ होता क्या है मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि भाई यूट्यूब में अपना चैनल मत बनाना, मतलब मत बनाना, और क्या क्या सामना करना पड़ता है आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं हूँ आपका दोस्त आकाश पटेल और संस्कार दानी छोरे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किन किन परेशानियों से यूट्यूबरों को गुजरना पड़ता है, तो भाई जो जो अपना YouTube चैनल में मतलब YouTube में अपना चैनल बनाना चाहता है उन वो भाई वीडियो को पूरा देखना। आज मैं पूरा 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस झोंकने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या आप गलतियाँ करते हैं, और वो सब बताने वाला हूँ। ब्लॉक पैटर्न बताऊँगा भाई, ऐसा नहीं कि अपना कोई ऑफिस है और ऑफिस में बैठ के हेलो गाइस ऐसा नहीं बताएंगे, ब्लॉक पैटर्न बताएंगे जिस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं। तो फटाक से मुझे आज मैं बताने वाला हूँ कि किस जगह पे मैं जॉब करता हूँ, कहाँ से मेरी इनकम आती है, और मुझे मैं मतलब वीडियो में वीडियो किस तरीके से बना पाता हूँ, कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सब आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मुझे ऑफिस के लिए जाना है, ऑफिस में देरी ना हो, फटाक से चलते हैं। फिर गाड़ी ना बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट हो रही है, देखो अपनी राम प्यारी क्या हाल हो गया। यहाँ पे एक्चुअली क्या ना रोड बन रही ना, तो यहाँ पे ना सीमेंट का मतलब यहाँ से पूरा माल बन के जा रहा है ना, इसलिए घर के सामने पूरा ना डस्ट डस्ट हो जाता है। पहले अभी घर का और दुकान का ना बिजली बिल जमा कर देते हैं, देन इसके बाद चलते हैं ऑफिस। बस भीड़ भाड़ ना हो जाता, क्योंकि आज ना लास्ट डेट है और लास्ट डेट के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आई थिंक भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 लोग हैं। जय श्री राम। देखिए हमने वीडियो तो बहुत सारी बनाए हैं, आचार संहिता में हेलमेट पहनना चाहिए और ये करना चाहिए कि ये भाई साहब यहाँ तो पुलिस वाले ही यहाँ पर हेलमेट नहीं पहनते, देख रहे हैं सामने पुलिस वाला जा रहे हैं, इन्होंने ही हेलमेट नहीं पहना है। अब क्या ही बोलें पुलिस वाले के, अब पुलिस वाले खुद ही हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो भाई साहब किसको कौन बोल सकता है। वैसे मैं बात करूं तो जब मैं 0 से और 1000 सब्सक्राइबर तक ना आने में ना कम से कम मुझे ना 11 महीने लग गए थे। 11 महीने मतलब कि कभी कभी ये होता था ना कि मैं पहले 11 महीने क्यों लग गए, मैं आपको बताता हूं सीधा सीधा। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि जो मेरे कॉन्स्टेंट वीडियो बनने थे वो वीडियो मैंने बनाए नहीं। कॉन्स्टेंट यदि वीडियो बनाया होता तो आज समथिंग नहीं होते थे, 5000 10000 समथिंग मैं टच कर लिया होता, तो मेरी पहली गलती ये भी थी। दूसरी बात ये भी है ना कि आप कॉन्स्टेंट इस वीडियो कैसे बना पाएंगे, आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, बस कंटेंट नहीं होगा तो वीडियो बनाएंगे कैसे, बात ये भी होती है। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ये कॉन्टेंट है कि भाई ये चीज़ होता है, यदि आप वीडियो में वीडियो बनाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है, यदि आपने 1000 सब्सक्राइबर कर तो लिए परंतु आपके ना 4000 पब्लिक वॉच टाइम नहीं हो पाएंगे ना, तो जब तक आपका ना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, मतलब कि आपने ज़बरदस्ती किसी को भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो करवा तो लिया परंतु वो आपके वीडियो ही नहीं देखता है, तो मतलब ही क्या चैनल सब्सक्राइब करने का। तो इसमें भी आप ये गलती मत करो, यदि आपका कंटेंट अच्छा रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली पब्लिक ना आपके पास आएगी, आपकी वीडियो देखेगी, आप कितना एंटरटेनमेंट कर पा रहे हो, आपकी वीडियो द्वारा कितना इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत से लोग एजुकेशन लेते हैं, बहुत से लोग मतलब कि मोटरसाइकिल के बारे में बताते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुकिंग का हो गया और बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्स वाई जेड, तो वो सभी करते हैं। और आगे पुलिस लगी है और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पब्लिक को ऐसे पकड़ेगी पुलिस, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और पुलिस वाले खुद ही हेलमेट नहीं पहनने पीछे वाले, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा कोई बताएगा बस, यदि पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं पहना तो उसके साथ क्या किया जाए। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, 4000 पब्लिक वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है, देन इसके बाद आपके पास ना YouTube के द्वारा ना एक मैसेज आता है कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, जितनी भी वीडियो है आपकी मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिए। इसके बाद भाई साहब, इसके बाद अब मतलब पहला चरण तो आपने पार कर लिया,
जैसे ही आपने पहला चरण पार कर लिया ना, उसके बाद भाई साहब आपको ना असली मेहनत करनी पड़ती है। असली मेहनत करने का इन द सेंस की है कि आपको ना $100 कंप्लीट करने पड़ेंगे पहली पेमेंट के लिए। $100 करने के लिए ना भाई पापड़ बेलना इतना ज़्यादा, मतलब कि हाथ ही मारो, पैर भी मारो, सर भी मारो, सब कुछ मारना पड़ता है भाई। ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। कई लोग ना, मतलब देखो पहली बात तो ये होता है, कई लोग ना हार कहाँ से मान जाते हैं कि आपके ना 4000 पब्लिक वॉच टाइम नहीं हो पा रहे। सब्सक्राइबर तो कर लिए परंतु 4000 पब्लिक वॉच टाइम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग यहीं से सुसाइड कर लेते हैं, मतलब कि यूट्यूब से सुसाइड कर लेते हैं। देन इसके बाद मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया। देन इसके बाद होता ये है कि भाई $100 कैसे करोगे, $100 ही नहीं हो पाते हैं। बहुत दिक्कत जाती है $100 करने में, यहाँ भी बहुत दिक्कत होती बॉस। और देन इसके बाद चलो ठीक है, $100 हो गए, फिर से आपको नई पेमेंट के लिए $1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, ये भी बहुत दिक्कत जाती है। पेमेंट ऐसा ही नहीं मिलता, जैसे कई बार हम कहीं भी जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं यार पेमेंट तो अच्छी खासी मिल जाती होगी, यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा मिल जाता होगा। बॉस इतनी आसानी नहीं होती है, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक मोड़ेंगे नहीं वीडियो को, जब तक यार ऐसा पैसा मिलता नहीं है यार, हालत ख़राब हो जाती है। लोग बोलते हैं अरे यार ये तो यूट्यूब में वीडियो बनाता है। अच्छा भाई, यू एक मिनट की ही वीडियो बनाने के लिए, 15 सेकंड की रील ही बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से एडिटिंग करनी पड़ती है, वो ना मात्र यूट्यूबर ही जानता है, और जो एडिटर होगा ना वही जानता है भाई किस तरीके से क्रिएटिव करना पड़ता है। बॉस अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि यदि आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है, मोटो ब्लॉगिंग करने के साथ साथ आप ट्रैवलर ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग बनना चाहते हैं, तो भाई आपके पास ना सोर्स होना चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए। आप यदि कहीं से पैसा कमा रहे हो ना तभी आप कर पाएंगे, तो इन द सेंस कि आपके पास स्टार्टिंग से मतलब कि 1 साल तो मतलब 6 महीने लग गए आपको 1000 सब्सक्राइब करने में, और उसके बाद फिर बॉस टाइम करने में, और मतलब 1 साल में आपको मान के चलो कि 1 साल का पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। आपके पास यहाँ जाना, ये ख़रीदना, वो ख़रीदना, गाड़ी में जाना, यहाँ रुकना उकने का पैसा तो होना चाहिए ना। इसलिए मेरा मानना ये है कि जिसके पास ना यदि मतलब जॉब करता हो और सोर्स ऑफ इनकम हो उसके पास, वही करे यार मोटो ब्लॉगिंग, ट्रैवलर ब्लॉगिंग, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे कि हमारे पास सोर्स था पहले, और कहीं ना कहीं जॉब करते थे, ये बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कहीं ना कहीं से पैसा आता रहता था, इसलिए हम ये चीज़ कर पाए, नहीं तो बॉस कहाँ कर पाते यार, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी चलते सीधा, बस पहुँच ही गए हम अपने ऑफिस, ऑफिस चलते हैं, बताते हैं कहाँ पर भाई अपना ऑफिस और किस तरीके से जॉब करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने बताया था कि हमारे पास ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का आएगा एयरटेल का है। सो गाइस हमारा काम है एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, और यदि किसी को भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना हो एयरटेल का जबलपुर में कहीं भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर देख रहे हैं, तो ये मेरा नंबर भी है और मेरी आईडी भी है, तो यहाँ पर आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आ गए हैं अभी ऑफिस एयरटेल का, तो ये है हमारा ऑफिस। Hours later. आज की वीडियो देख के ना कुछ लोग बोलेंगे यार नहीं करना यार YouTube यार। देखो YouTube ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन एंड पेशेंस सब मांगता है। यदि आपके पास डेडिकेशन है, पेशेंस है, और भी भाई मतलब कि भाई मैं कर लूँगा YouTube में, भाई वही कर पाता है। और डीमोटिवेट करने वाले ना बहुत आते हैं। जब आप YouTube में वीडियो बनाते हैं ना तो आप लोगों को बोले भाई क्या कर रहा है तू, पागल है क्या ये, अबे कुछ नहीं होने वाला इससे, अबे कुछ नहीं होगा, ऐसे कितने यूट्यूबर घूम रहे हैं भाई। सच बताऊं ये बोलने वाले ना बहुत आएंगे, बहुत आते हैं ये बोलने वाले, परंतु भाई लगा रह तू करते रह, ये चीज़ ना बोलने वाले बहुत कम आएंगे, जहाँ तक कि आपकी फैमिली मेंबर भी ना सपोर्ट नहीं करेंगे, बेटा तू क्या कर रहा है, इससे तो खा मिल लेगा, तू घूमता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, कौन सा तेरे को यूट्यूब पैसा दे रहा है, ये चीज़ बोलेंगे। और रिश्तेदार भाई साहब, रिश्तेदार भाई जान खा जाएंगे सब, आपके मम्मी पापा के, आपके नहीं, आपके मम्मी पापा के प्राणा खा जाएंगे, बोलेंगे आपका लड़का बेटा क्या कर रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ मिलता जलता भी है कि नहीं, लगा है कहीं ये कर रहा है, कहीं वो कर रहा है। भाई साहब मजाक नहीं,
बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं लोग बाग, परंतु भाई साहब यूट्यूब से ना सुसाइड नहीं करने का, जिसने सुसाइड कर लिया ना मतलब कि वो कुछ नहीं किया, ऐसा चीज़ रहता है। चलो जिस तरीके से ना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच टाइम पाना बहुत मुश्किल होता ना, एक तो ये वाला जब से ब्रिज बन रहा ना और यहाँ से निकलना ना उसी तरीके से ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता साला। तो एग्जांपल के तौर पे अब आप लोगों को बताता हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता है। तो मैं अभी दीदी के यहाँ आया हूँ, एक और मेरी छोटी वाली सिस्टर थी, उसने भी ये यूट्यूब चैनल ओपन किया था। तो उसने एक्चुअली क्या हुआ, बनाते 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 ना वो हार मान गए, क्योंकि ना व्यूज़ गिर रहे थे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे आगे, इसलिए उसने क्या ड्रॉप कर दी यूट्यूब। अब मैं दीदी के पास आया हूँ। देखो दीदी का भी चैनल है, दीदी का भी चैनल ऐसा है कि उनका जीवीपी खुशी वीडियो पार्लर के नाम से है, और दीदी को ना 2 साल हो गए समथिंग। कितने हुआ दीदी जी? 2 साल हो गए। दीदी की भी हालत खराब हो गई थी, दीदी के पहले तो 0 सब्सक्राइबर से लेके दीदी, अरे दीदी तुम ही बताओ यार कैसा क्या रहा। क्या होता है ना, बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम भी चैनल ओपन करना चाह रहे हैं, मोटो ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। दीदी तुम बताओ तुमको कैसी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हुई है, कहाँ तक कैसे कैसे झेलना पड़ा भाई साहब, हाल हंसी की नहीं है दीदी बताओ। तकलीफ तो कुछ नहीं अभी है, तकलीफ पहले बहुत तकलीफ थी, सब्सक्राइब करवाना, लोगों से बोलना कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कुछ लोग तो सब्सक्राइब करके बाद में अनसब्सक्राइब कर देते थे, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती होती है। सॉरी मोनेटाइज हो गया ना? मोनेटाइज हो चुका है, अभी अभी हुआ है, मतलब कि 15 से 20 दिन के पहले अभी मोनेटाइज। 3 महीना पहले हो चुका था मोनेटाइज। अच्छा 3 महीने, मतलब देखो 2 साल बाद, मतलब ये मान के जो समथिंग हमने 2 साल बाद मोनेटाइज हुआ है, परंतु बड़ी मुश्किल में हुआ है, बहुत मुश्किल में हुआ है भाई, हंसी खेल नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें डेली वीडियो डालनी पड़ती है और टाइम देखना पड़ता है कि किस टाइम पे हमें कौन सी वीडियो डालना है, तो ये सारी बातों को बहुत ध्यान में रखते हुए हमें वीडियो बनाना पड़ता है और डालना पड़ता है। मेहनत करेंगे तो आपके व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ेंगे, और मेहनत करते रहिए बस। ऐसा है भाई, देखो क्या होता है ना, वीडियो डालने का भी तरीका होता है, वीडियो का कब डालना है, कांस्टेंट वीडियो डालना है, लगातार वीडियो डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तब जाकर वीडियो में, किस वीडियो में हमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइब मिले। मैंने देखा है जब मैं थंबनेल बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छा थंबनेल बनाती हूँ, उसमें सब्सक्राइब और व्यूज नहीं बढ़ते, लेकिन जब मैं यूं ही डाल देती हूँ वीडियो, कभी कभी कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है थंबनेल बहुत अच्छी वीडियो बना लो ना, इतनी मेहनत करना पड़ी, मतलब कि कभी कभी होता है ना 3 से 4-5 घंटे ना वीडियो एडिटिंग करता हूँ, 3 से 4 घंटे ना मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, कभी कभी उसमें मात्र 50 व्यू गिरते हैं यार, मतलब वो 50 व्यू गिरते हैं, मेरे को डीमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं, परंतु भाई मोटिवेशन अपने आप को करना पड़ता है, तब जाके वीडियो ना सक्सेस होती है, और भाई साहब बहुत दिक्कत होती है। दीदी का मतलब फाइनली मोनेटाइज तो हो गया है, परंतु छोटी वाली सिस्टर थी उनका तो नहीं हो पाया, क्योंकि उसने ना बोल दिया यार बच्चे संभालूँ कि ये करूँ कहीं वो करूँ। अभी ऐसा है कि दीदी का पार्लर है ना, दीदी का एक्चुअली क्या ना पूरे पार्लर के ऊपर डिपेंड है, पार्लर के ऊपर पूरी वीडियोज़ बनती है। अभी भाई 100 पत्ती चुरा के ले जाऊंगा मैं इसको, ठीक है चुरा के ले जाऊंगा, ऑलरेडी ये चुराया हुआ है, मैं भी कहीं से चुरा के लेके आई। हाँ तो ये चुराए हुए चीजें ही फलती है ना कभी कभी। नहीं अब तू बता दिया, तेरे को नहीं फलेगी। नहीं नहीं मेरे को फल जाएगी, देखो दिखाऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं ना कि हाँ अभी ये चीज भी है। क्या कर रहे हो? एक तो मैं अभी जॉब से आया, और देखो भाई अच्छा ही लगेगी पता ही जॉब कर रहा है। चलो पहले वो करो। हाँ मैं चलो ठीक है, देखो यही होता है शादी के बाद, अक्सर देखो जो शादी नहीं की है ना शादी मत करना यार। देखो अभी आया हूँ ना मैं, अभी आया हूँ ये नहीं, थोड़ा रेस्ट करना दे, पर चालू हो गए क्या 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 ये कर लो वो कर लो ये कर लो भाई, हद होता है। खैर वेल वो तो ठीक है, अभी घर आ चुके हैं, और मतलब क्या ही बोले, घर तो आ चुके हैं और क्या ही बोले, सही बात है क्या ही बोले, घर तो आ चुके हैं। और जैसे कि आज की वीडियो का मेरा पर्पस ये था कि आप लोगों को बताना कि भाई क्या होता है वीडियो बनाने से, मतलब कि वीडियो बनाने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए तभी आप मोटो ब्लॉगिंग करना जैसा मत करना। एक और मैं ओपन करने वाला हूँ चैनल, बहुत जल्द पता चल जाएगा, वो गेमिंग का है, पूरा गेमिंग पूरा सेटअप देखो, पूरा गेमिंग सेटअप है, तो बाकी सब मैं कर लिया हूँ, बस एक सेटअप और करना है कि हमको ना इंटरकॉम द्वारा, मतलब कि इंटरकॉम बोल रहा हूँ मैं, पूरा कैमरा अपना सेट करना है, अपने आपको दिखाना भी तो गेम खेलते समय रिसीव करना है। खैर आज के दिन समाप्त होता है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ।
और शानदार वीडियो के साथ। यदि आप की वीडियो मेरे पसंद आई ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाकी सब बढ़िया है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और जिन्होंने शादी नहीं किया ना, मत करना, नहीं तो क्या बोलूँ मैं। शकल देख रहे हो, शकल देख रहे हो, क्या शकल देख रहे हो, शकल देख रहे हो, मतलब जो काम धाम करवाना चालू करवा दिए, मतलब काम धाम करवा देने के लिए कभी कभी हेल्प करने चाहिए। अपन तो वो भी नहीं करते हैं, पर कभी कभी कर देते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।